कैसे करें कोरोना के नए वेरिएंट से बिजनेस और कर्मचारियों को सिक्योर। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ने एक बार फिर पूरी दुनिया के मेडिकल साइंस को चुनौती दी है। भारत के साथ साथ दुनिया के सारे देशों में जिंदगी पटरी पर लौट ही रही थी कि इस वायरस के आने से फिर एक बार चिंता के बादल मंडरा रहे हैं। ओमिक्रॉन को बाकी दूसरे वेरिएंट से खतरनाक बताया जा रहा है। WHO ने बताया कि ये काफी तेजी से और बड़ी संख्या में म्यूटेट होने वाला वेरिएंट है। उन्होंने बताया कि इस वेरिएंट के कई म्यूटेशंस चिंता पैदा करने वाले हैं और इस म्यूटेशन के चलते संक्रमण का खतरा बढ़ गया है। आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी स्ट्रेटजी बताएंगे जिससे आपको बिजनेस में कम से कम नुकसान हो और आप ज्यादा से ज्यादा सुरक्षित रहें। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। सबसे पहले तो मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजर का अपने बिजनेस में रेगुलर यूज करें। पिछली बार के कोरोना वेरिएंट के टाइम में आपसे क्या गलती हुई थी उसके बारे में सोचें और वो गलती दोबारा ना हो उसके लिए स्ट्रेटजाइज करें। इस बार ऐसी स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि अगर लॉकडाउन हो तो टेक्नोलॉजी की कमी के कारण आपके बिजनेस पर उसका असर ना हो। सारे काम ऑनलाइन कर दीजिए ताकि सोशल डिस्टेंसिंग को अच्छे से लागू किया जा सके। रॉ मटेरियल की सप्लाई में कोई दिक्कत ना हो इसके लिए सप्लायर से बात करें ताकि प्रोडक्शन ना रुके। रॉ मटेरियल का स्टॉक ना करें। पिछली बार ऐसे ही स्टॉक के कारण बहुत लोगों को नुकसान हुआ क्योंकि स्टॉक खराब हो गया। तो इस बार इन्वेंट्री को मैनेज करें और इन्वेंट्री का स्टॉक ना करें। अपने एम्प्लॉइज के लिए उस टाइम के लिए सैलरी स्ट्रक्चर तैयार करें। उनकी टाइमिंग्स, उनका काम और उनकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ, इन सब के लिए हर चीज पहले से स्ट्रेटजाइज कर लें। डिलीवरी और पेमेंट के नए तरीके देखें। इसके लिए आप ओके क्रेडिट ऐप की मदद ले सकते हैं जिससे आसानी से लेन देन का काम हो सके, कहीं भी आपका पैसा फंसा ना रहे। तो आज हमने इस वीडियो में आपको बताया कि कोरोना के नए वेरिएंट से कैसे आप अपने बिजनेस और कर्मचारियों को सिक्योर करें। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करें और ऐसे और बिजनेस टिप्स के लिए हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। ओके क्रेडिट, बिजनेस ओके है।